गॉडज़िला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी आने वाली है, तो उससे पहले चलिए हो जाए गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग का क्विक रीकैप। तो ये मूवी गॉडज़िला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के 5 साल बाद सेट है। यहाँ पे किंग कॉन्ग को एक कंटेनमेंट पे रखा जाता है जो जंगल जैसा दिख तो रहा है, पर उसको मोनार्क मॉनिटर कर रहा होता है। जिया नाम की हमें एक छोटी लड़की से इंट्रोड्यूस होते हैं, ये गॉडज़िला एक्स कॉन्ग में भी आने वाली है। ये अपनी साइन लैंग्वेज से कॉन्ग से कम्युनिकेट कर पाती है और ये आइलीन की अडॉप्टेड डॉटर है। हमें इसके बाद बर्नी देखने को मिलता है, वो एक एपेक्स कंपनी का एम्प्लॉई है जिसकी थ्योरी ये होती है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। और जब तक वो वहाँ काम कर ही रहा होता है तभी गॉडज़िला वहाँ पर अटैक कर देता है। मैडिसन और जॉश बर्नी के इस पॉडकास्ट को देख लेते हैं और उससे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर इसके बाद हम मिलते हैं एपेक्स कंपनी के CEO से, जिसका नाम होता है वॉल्टर सिमंस। वो एक साइंटिस्ट को हायर करता है जिसका नाम होता है नेथन लैंड, और उससे कहता है कि तुम हॉलो अर्थ में जाओ और वहाँ एक पावर सोर्स है, उसको लेके आओ। नेथन शुरू में तो हिचकिचाता है क्योंकि उसका भाई भी हॉलो अर्थ के चक्कर में ही मारा गया था, और वॉल्टर कहता है कि उन्होंने कुछ ऐसे क्राफ्ट्स बनाए हैं जो उसको सेफली हॉलो अर्थ तक ले जाएंगे। नेथन फिर आइलीन के पास जाता है, उसको कन्विंस करता है कि कॉन्ग ही एक ऐसा क्रीचर है जो उनको हॉलो अर्थ तक ले जा सकता है और वो अंटार्कटिका से होके जाना पड़ेगा। फिर नेथन, जिया, आइलीन और वॉल्टर की बेटी माया वहाँ कॉन्ग को बेहोश करके ले जा रहे होते हैं अंटार्कटिका की तरफ, और गॉडज़िला वहाँ पर आ जाता है, अटैक करता है और कॉन्ग को हरा भी देता है। फिर वो लोग अंटार्कटिका पहुँच जाते हैं जहाँ कॉन्ग इन लोगों को एक टनल के थ्रू हॉलो अर्थ की तरफ ले जाता है। हम दूसरी साइड पर आ जाते हैं और मैडिसन और जॉर्ज बर्नी के पास पहुँच चुके होते हैं। वहाँ पर वो हॉन्गकॉन्ग की जो एपेक्स फैसिलिटी है वहाँ पहुँच जाते हैं और उनको जाके पता चलता है कि वहाँ पे मेगा गॉडज़िला पे टेस्ट चल रहे हैं, पर उस मेगा गॉडज़िला में अब भी कुछ कमियाँ हैं, कुछ लिमिटेशन हैं, इसीलिए वॉल्टर को वो पावर सोर्स चाहिए हॉलो अर्थ से। उधर वहाँ पे वो लोग हॉलो अर्थ पहुँच जाते हैं जो स्कल आइलैंड जैसी दिख रही होती है, और वहाँ पे कॉन्ग के एंसेस्टर्स की हड्डियाँ भी पड़ी होती हैं। उधर ही कॉन्ग को एक एक्स मिलती है जिसमें गॉडज़िला की एक स्केल भी लगी होती है। अब यहाँ पे जब टीम को पावर सोर्स मिल गया होता है तो वो लोग पावर सोर्स को हांगकांग की एपेक्स फैसिलिटी में भेज देते हैं और गॉडज़िला तुरंत वहाँ पर कुछ सेंस कर लेता है। गॉडज़िला अर्थ में अपनी एटॉमिक ब्रेथ से इतना बड़ा गड्ढा कर देता है कि वो सीधे एक पैसेज पहुँच जाता है जहाँ पर नीचे कॉन्ग खड़ा होता है। कॉन्ग के हाथों वॉल्टर की बेटी मारी जाती है और कॉन्ग जब बाहर आता है तो वो गॉडज़िला से फाइट करने लग जाता है। नेथन, आइलीन और जिया तो सेफली बाहर आ जाते हैं। कॉन्ग स्टार्टिंग में जीत रहा होता है पर गॉडज़िला के सामने वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है। वहीं मैडिसन, जॉश और बर्नी को वॉल्टर की सिक्योरिटी पकड़ लेती है। वार्निंग मिलने के बाद भी वॉल्टर वहाँ पे मेगा गॉडज़िला को एक्टिवेट कर देता है और मेगा गॉडज़िला जिंदा होते ही सबसे पहले वॉल्टर को ही मार देता है। मेगा गॉडज़िला फिर फैसिलिटी के बाहर निकल जाता है और हांगकांग पे अटैक करने लग जाता है। गॉडज़िला वहाँ पे उससे लड़ने के लिए जाता है पर उसके सामने कमज़ोर पड़ जाता है। वहीं नेथन कॉन्ग को रिवाइव करता है और जिया कॉन्ग से कहती है कि तुम जाओ और गॉडज़िला की मदद करो, पर फिर वो दोनों मिलके भी मेगा गॉडज़िला को हरा नहीं पा रहे होते हैं। तो वहीं पे जो जॉश नाम का लड़का है वो कंट्रोल रूम से कुछ शॉर्ट सर्किट करता है और मेगा गॉडज़िला को कुछ देर के लिए वीक बना देता है वहाँ पे, और गॉडज़िला और कॉन्ग को टाइम मिल जाता है, वो मिलके मेगा गॉडज़िला को हरा देते हैं। लास्ट में मैडिसन अपने फादर से मिल जाती है और कॉन्ग हॉलो अर्थ को रूल करने लगता है, पर मोनार्क यहाँ पे अभी भी हॉलो अर्थ को मॉनिटर कर रहा होता है। तो यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।